So, ये है हमारा जिम। आज मैं लेट आई थी, 10 बज गया जिम से निकलने में। तो अभी मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, देन अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एसी वगैरह सारा चीज़ बंद करके रखा है, ठंड की वजह से। ठंड आ गया है नॉर्मली। तो ये है एक पूरा लुक जिम का। ये है सारी चीज़ें। और मैं मेरा ये मैं हूँ। हाँ, वो पता चल रहा होगा मिरर में कि ये मैं हूँ। तो चलिए चलते हैं भाग के घर। बच्चे चले गए हैं स्कूल। मैं चाहती हूँ नहा के जल्दी से पूजा करूँ, बहुत तेज प्यास लगा है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है 31 अक्टूबर और अभी बजे सुबह के 11। आने के बाद तुरंत नहा वहाँ के, मतलब 10 मिनट बैठने के बाद नहा के देन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आज हो गया है छठ पूजा का पारण। आज जिन्होंने अभी छठ पूजा किया था वो आज कुछ खा चुके होंगे, अभी तक तो आराम से ही खा चुके होंगे। तो अभी मैं भी जा रही चाय पीने, बहुत तेज़ प्यास लगी है। लेकिन मैं नहा के पूजा करके फट से चली गई थी आंटी के घर पे, आंटी को प्रणाम करने, और फिर मैंने प्रसाद वगैरह कलेक्ट कर लिया। क्योंकि अंकल मुझे सुबह से कम तो 10 बार बोल चुके थे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, वो गेट पर से हल्ला कर रहे थे। तो मैं चली गई थी, बस मैंने बोला अंकल मैं पूजा करके फट से आती हूँ, फिर प्रसाद ले लूँगी। तो फिर इसीलिए अंकल काफ़ी अच्छे हैं, एकदम फैमिली के जैसा ट्रीट करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जल्दी से आके ले ले, ओकर बाद कुछ खा ली। हाँ, मतलब वो हमारे साइड का भाषा बोलते हैं, तो उनको पता था कि प्रसाद नहीं खाएंगे तो फिर कुछ खाएंगे नहीं, इसीलिए। तो इसलिए फिर आंटी ने सिंदूर वगैरह लगा दिया था, जो हमारे साइड का रिचुअल से। आंटी बोल रही थी कि इधर नाक से लगा देते, हमारे इधर नाक से लगाते हैं। बट मैंने बोला कि नहीं आंटी, आज नाक से नहीं लगाइए, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने स्कूल जाना है, इसीलिए। तो आंटी हंसने लगी। देन आंटी, क्या इनफ गेस्ट हैं, अच्छा लगता है गेस्ट होता है। मेरी भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, मायके में भी, ससुराल में भी, बहुत फन होता है वहाँ पर। तो चलिए मिलती हूँ चाय पीने के बाद। बहुत तेज़ चाय पीने का दिल कर रहा है और भूख बहुत तेज़ लगी है। बट अभी कुछ खाऊंगी नहीं, खाना चढ़ाया है, मतलब सब्जी चढ़ाया है। तिवारी जी का कंटिन्यू मीटिंग है, जब से वो बच्चों को छोड़ के आए, यानी कि 9 बजे से अभी तक उनका मीटिंग, और अभी तक वो बोलते ही जा रहे हैं। जब तिवारी जी ज़्यादा बोलते ना तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि तिवारी जी बिल्कुल भी नहीं बोलते, मतलब बहुत रेयर बोलते हैं, जितनी ज़रूरत हो या फिर उससे भी कम। मेरी तरह इतना ज़्यादा बकबक बकबक नहीं करते, बट वो तब से बोल रहे, मुझे हंसी आ रही थी। तिवारी जी का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होगा इतना बोलने का, मुझे पता है। तो देखती हूँ तिवारी जी को भी कुछ खाने दूंगी, तो उनका मीटिंग बंद हो जाए उसके बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको उठे, उनको कुछ खा लेना चाहिए। वैसे मैं फ्रूट और मिठाइयाँ बाहर रख के गई थी कि वो कुछ खा ले, बट मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ खाया। एक बार चेक भी कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको चाय पीने के बाद। एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 1:15 और मैं निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल। बच्चों का टाइमिंग चेंज हुआ है विंटर के हिसाब से, तो विंटर के हिसाब से टाइमिंग कुछ ऐसे है कि 8:30-9 मॉर्निंग में 9 बजे स्कूल जाना है, एंड देन 1:15 में उनकी छुट्टी होगी। तो अभी 1:15 हुआ है, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो अभी फटफट से बच्चों को लेके आती हूँ, खाना बना लिया मैंने, और क्या, बस निकले हैं फटाफट। बिल्कुल भी धूप नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि धूप एकदम नहीं है, बस है एकदम, मतलब अजीब सा वेदर किया है, ठंड वाला जो होता है ना, खतरनाक। मतलब अभी इनफ ठंड है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। देखिए इस टाइप से थोड़ा बहुत धूप आपको दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा, उसको हम लोग कहते हैं ना मरा मरा धूप, ये मरा मरा सा धूप है। और मेरी बालकनी में तो ये मरा वाला धूप भी नहीं आता, क्योंकि मेरा फ्लोर है नीचे और धूप ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है, तो जिसके कारण नहीं आता है। तो ये फट से रॉकी टाइगर को लेके आती हूँ। इतनी देर में ही सोच रहे होंगे, पता नहीं आज कितना देर मम्मी स्कूल में छोड़ दी। कल मैंने टाइगर को बोला था कि मैं लंच में उसको पूरी दूंगी, तो वो बोला कि नहीं नहीं तब तो स्कूल नहीं जाना है, पूरी देगी तो नहीं जाएंगे। फिर मैंने सुबह उसको लंच दिखाया कि मैंने उसको लंच में चॉकलेट दिए हैं, मिक्सचर दिए हैं, और समथिंग जो भी उसको पसंद है वो सारी चीज़ें मैंने डाल दिया था। तो वो पूरा खुश हो गया, बोला हाँ हाँ अब तो स्कूल जाना है, मतलब उसको पसंद का लंच दे दो देन वो स्कूल चला जाएगा, और अगर लंच उसकी पसंद का ना हो तो फिर वो स्कूल नहीं जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ स्कूल में बच्चों के साथ। हे चायू, यस, हाँ बेटा, क्यों? ओ यस, इट्स मी। वेयर सीटू? कैन यू, व्हाट यू डूइंग?
ड्रिंकिंग जूस। यू ड्रिंकिंग जूस, ओके आपको पता चल गया रॉकी क्या कर रही है। और टायो है पीछे जो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो विंडो के पास बैठ जाता है जाके और वो बाहर की चीजों को बहुत अच्छे से देखता है। मतलब कार जल कर रहा था और वो कह रहा है कि कार को रोको, मैं मेरा ड्रिंक गिर रहा है और मेरे कपड़े मैसी हो रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा रुक गए हैं ताकि वो अच्छे से पी ले, उसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा जर्क है इस रास्ते में। सॉफ्ट चलो, सॉफ्ट चलो। You want a ball? I have so many ball in दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत सब्जी मार्केट कर। ये सब्जी मार्केट कर लो, बहुत आगे तक मार्केट है, बहुत आगे तक, पर मैं आगे आगे से लेके भाग जाती हूँ क्योंकि उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। सब्जियाँ सारी सेम है, प्राइस सारा सेम है, इनका सबका आपस में रहता है कि एक जैसी ही सब्जी बेचनी है, 5 रुपए 10 रुपए ऐसा कुछ कम नहीं होता है, सबका एक ही रहता है। बस तो मैं आगे आगे से लेके आ गई थी, अब चलती हूँ घर। घर देखते हैं जाके क्या होता है। ये रही रॉकी, ये रही रॉकी और ये रहा मेरा पीछे से टायो जो कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। और कुछ ऐसा चेंज वेंज नहीं किया था, बस जो पहना था वही पहन के हम आ गए। नॉर्मल ड्रेस में कुछ ज़्यादा आया नहीं है। सब्जी मार्केट आना बहुत बहुत ज़्यादा ये होता, बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा रास्तों को ज़्यादा भीड़ था। अच्छा ठोट खत्म हुआ ना, आंटी लोग खाना वाना खा ली हैं, आ गई हैं पावर में, तो चलिए मिलती हूँ घर में। एवरीवन, सो हम आए हैं इनको कार ड्राइव करवाने और चिकन खिलाने। आज छठ का पारण हो गया तो आज ये खा सकते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से मैंने बंद करके रखा था दिवाली से पहले पहले, तो अभी इनकी खुशी है कि ये कार चलाने आए हैं। तो ये देखिए रॉकी, टायो आगे चला गया बट इसका मैं वीडियो बना ले रही हूँ। इसकी कार थोड़ी स्लो स्लो बोला है ड्राइव करने, इसको फास्ट से थोड़ा डर लगता है। ये देखिए वैसे तो इसकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, अभी देखिए अभी कितना आसान से बैठती है, अभी इसको कोई टेंशन नहीं। और टायो को हाई कर रही थी, टायो टायो, और वो देखिए वो आ रहा है। बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, पटाखों की वजह से बहुत मच्छर हो गए हैं यहाँ पे। पहले मुझे बरसात का लग रहा था बट नहीं, बरसात के कारण नहीं, पटाखों के कारण बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। ये देखिए ये है प्यारा सा टायो, इनको भी मैं बस घर के कपड़ों में ही लेके आ गई। यस सभी बज रहे हैं रात के 10:30। हम हाफ एन आवर पहले आ गए थे, यानी कि 9:30 या 10 के बीच में हम आ गए थे घर। तो बच्चे हैं यहाँ रॉकी एंड टायो, और मैंने घर आके सारी चीज़ों को समेटा, देन इनका बॉटल वॉटल साफ करके दूध पीछे रखा है। चलिए मैं आपको कल फिर मिलूँगी एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।